SIUT में आने वाले हर 10 में से 7 बच्चे गुर्दों की पथरी के मर्ज में मुब्तला हैं। This is an alarming number। ये मेरा बेटा है, ये भी दोनों एक गुर्दे में 4 पथरी हैं। अभी क्या करें? SIUT वो वाहिद इदारा है जो गुर्दे और मसाने की पथरी में मुब्तला बच्चों के इलाज के लिए तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम कर रहा है। आइए मिलकर ये मासूम जिंदगियां बचाएं। अपने एहतियात देकर तशखीस के लिए टेस्ट, लिथोट्रिप्सी और सर्जरी में तावन करें। 111 डोनेट पर कॉल करें या फिर www.siut.org पर ऑनलाइन ट्रांसफर करें, क्योंकि SIUT अपना है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप देख रहे हैं, मेरा नाम है साजिद सुल्तान। मैं प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, यानी बच्चों के गुर्दे और मसाने की जो बीमारियां होती हैं और जो ख़ास तौर पे सर्जिकली मैनेज होती हैं, उन बीमारियों की देखभाल करने वाले डिपार्टमेंट का सरबराह हूँ। और वहाँ हम बच्चों की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ देखते हैं, जिसमें पैदाइशी नकाइस हैं जो गुर्दे के या मसाने के या पेशाब के अज़ा के डेवलपमेंटल डिफेक्ट या नकाइस हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो हैं उनमें बच्चों की पथरी की बीमारी, गुर्दे व मसाने की पथरी की बीमारी। और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है और उस खित्ते में शामिल है जहाँ गुर्दे और मसाने की पथरी बहुत ज़्यादा होती है, ना सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी। यहाँ तक के कि हम जो बच्चे देखते हैं गुर्दे मसाने की बीमारियों के, उनके 65-70% बच्चे पथरी के साथ आते हैं, गुर्दे में पथरी या मसाने में पथरी या गुर्दे की नाली में पथरी। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमें मिलती है बच्चों। कोई पिछले 20 साल में हमने कोई 20,000 बच्चे देखे हैं जो गुर्दे की और मसाने की पथरी से में मुब्तला रहे हैं। आज हम बात करेंगे आपके लिए कि वो क्या अलामत हैं, कि अगर आपको वो अलामत लगें तो आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें और SIUT से रुजू करें और उनकी तशखीस हो सके। कुछ वजूहात बताएंगे, कुछ कैसे उनको तशखीस किया जाता है वो बताएंगे, और फिर हम बताएंगे कि क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं पथरी से, और आखिर में थोड़ा बहुत हम शुद्बुद आपको देंगे कि कैसे मुख्तलिफ किस्म के इलाज होते हैं बच्चों के और SIUT उसके लिए क्या कर रहा है, फिर आपके सवालों के जवाब देंगे। तो सबसे पहले ये स्टोन बेल्ट एरिया कहलाता है, जिसमें पूरा ममालिक हैं जो इजिप्ट से लेके और सूडान, अफ्रीका से लेके सऊदी अरब, टर्की, ईरान, पाकिस्तान और दूर फार ईस्ट तक, फिलिपीन तक चले जाते हैं, चाइना। और उन ममालिक में भी हर इलाके में पथरी उतनी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान के साउथ पंजाब और सिंध के जो इलाके हैं उनमें पथरी की बीमारी बहुत ज़्यादा है, और बाकी जगह भी है लेकिन उतनी कम नहीं है। सरहद यानी पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, जो साउथ पंजाब और सिंध से मिलते इलाके, उन इलाकों में ज़्यादा है और दूसरी तरफ कुछ कम है। तो एक तो ये बात हो गई, उसमें मुख्तलिफ वजह हैं, एक तो मौसम है, फिर उसके बाद मेल न्यूट्रिशन यानी गज़ाइत की कमी है बच्चों की, वो आ जाते हैं। फिर कुछ वो पैदाइशी नकाइस के साथ जो पैदा होते हैं उसकी वजह से भी पथरी बनती है उनको। तो मुख्तलिफ वजह हैं, और कुछ हो सकता है कि मौरूसी बीमारियां हों, कुछ फैमिलियल हों, जो ऐसी चीज़ें जिसमें एक ही ख़ानदान में और एक ही घर में बहुत सारे अफराद को पथरी की बीमारी हो। कुछ ग़िज़ा भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वो पथरी की बीमारी जो है बेसिकली आम तौर पे एक मल्टी फैक्टोरियल डिज़ीज़ कहलाती है, यानी बहुत सारे वजूहात मिलके भी पथरी बनाती है, और उसमें एक बड़ी तादाद को अगर आप उन वजूहात में से कम कर दें तो शायद वो पथरी की बीमारी बनने से रुक जाए। अलामात की जहाँ तक बात करें तो एक तो आपने देखा होगा पथरी की वजह से दर्द होता है, वो गुर्दे का अगर दर्द होता है तो वो सीधे हाथ या उल्टे हाथ, जहाँ गुर्दे की जगह होती है वहाँ से शुरू होके
वहीं रह सकता है, वो कभी दौरे की शक्ल में हो सकता है, कभी नीचे पेशाब की जगह तक जा सकता है। ये मुख्तलिफ जगहों पे जैसे पत्थर हों, जिस तरह के वो पत्थर हों, जहाँ वो रुकावट कर रहे हों, वो उसकी मुख्तलिफ अंदाज के दर्द होते हैं। तो अगर और छोटे बच्चों में बाज़ दफ़ा, बहुत छोटे बच्चों में एक लोकलाइज पेन नहीं होता, एक ख़ास जगह पे नहीं होता, पेट में डिफ्यूज सा पेन होगा, वेग सा पेन होगा, यानी वो कोई आप पॉइंट पॉइंट नहीं कर सकते कि जी इस जगह दर्द हो रहा है। तो अगर पेट में दर्द है और बार बार होता है तो उस बच्चे को भी एक चेकअप करना चाहिए और उसके लिए देखना चाहिए कि शायद पथरी की बीमारी हो, ख़ासतौर पर उन लोगों में जिन जिन इलाकों में पथरी ज़्यादा है या जिनके ख़ानदान में पथरी ज़्यादा है, उनको तो बहुत ज़्यादा मशकूक होना पड़ता है इसके लिए। उसके अलावा अब दर्द के साथ साथ खून आ सकता है पेशाब में, और बुखार हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे पेशाब में की तकलीफ, कुछ घड़ी घड़ी पेशाब आना या पेशाब में जलन होना, ये साथ शामिल हैं, ये वजूहात ज़्यादा होती हैं। और अगर पथरी की बीमारी की बर वक्त इलाज ना हो तो वो गुर्दे में रुकावट कर सकते हैं और रुकावट के बायस या इन्फेक्शन के बायस गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि पूरा गुर्दा ज़ाया हो जाए और शदीद बीमार भी कर सकते हैं, सीवियर इन्फेक्शन और सेप्टिक स्टेट जो होती है वो हो सकती है। तो इसलिए इसको हमें संजीदगी से लेना होता है, और अगर वहम में मुबतला होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारे हमें कहीं भी शक हो जाए और बार बार कोई ऐसा बीमार हो रहा है, या बहुत कम बच्चे और अफराद ऐसे होते हैं जिनको कोई अलामत ना हो और वो फिर भी पथरी हो उनके, तो वो तो फिर एक मजबूरी हो गई। अगर लेकिन उनका अगर कभी वो चेकअप हो, अल्ट्रासाउंड हो और उसमें इंसिडेंटली पिक हो जाते हैं, एक तो ये अलामत हो गई जिनको आपको जहन में रखना है। अब जो सबसे आसान तरीका है पथरी देखने का, वो है एक अल्ट्रासाउंड, जो आजकल हर जगह मुहैया हो जाता है, ना उसमें कोई सुई चुभ होते हैं, ना कोई रेडिएशन होती है, ना कोई बड़ी बड़ी इक्विपमेंट होते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन तो आजकल करीबी अस्पतालों में, जो भी जिस इलाके में आप रहते हों तो वहाँ अगर जाएंगे तो एक डॉक्टर जो रेडियोलॉजी का होगा या अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होगा वो देख लेगा, और गुर्दे मसाने की पथरी के इनिशियल यानी पहले जो टेस्ट होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। जब एक दफ़ा उसमें कोई शक आ जाए या पिक हो जाए वो, तो फिर फर्दर जो टेस्ट उनकी और मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है वो किए जाते हैं। जब एक दफ़ा तशखीस हो जाती है तो दो रास्ते होते हैं, एक उनको कैसे वहाँ से निकाला जाए, उसके लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं। आजकल जदीद इलाज यकीनन, और ख़ास तौर पे बच्चों में जिनमें ये, क्योंकि छोटी उम्र होती है और अभी पूरी ज़िंदगी उनकी बाकी है, अगर अभी चीरे वाला ऑपरेशन किया फिर दोबारा हो गई पथरी और तो दोबारा चीरा लगाया, तो ये काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है और बड़ा ऑपरेशन। तो आजकल दूरबीन के ज़रिए और बग़ैर ऑपरेशन के ज़रिए, शुआओं के ज़रिए ऑपरेशन वो पथरी के इलाज हो जाते हैं, और SIUT वो इदारा है जहाँ ऐसी सहूलियात मुकम्मल हैं, बल्कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं उसके लिए। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हम लीडिंग इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ बच्चों के पथरी का इलाज के बेहतरीन सलाहियत है, बेहतरीन मौके हैं, बेहतरीन मशीनें हैं, बेहतरीन डॉक्टर हैं, बेहतरीन टीम है जो स्किल्ड हैं उनके लिए कि उनको जो जैसी ज़रूरत हो। अब ये फैसला आपका काम नहीं होगा कि उसको कौन सा ऑपरेशन करना है, ये फैसला तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स का काम होगा जो उसके माहिर हैं कि कौन सा पत्थर किस तरह से निकालना चाहिए। और आपके हालात के हिसाब से ये ज़रूर है कि दो या तीन ऑप्शंस हो सकते हैं, जो गलत कोई भी नहीं होता। या तो आप खाली बग़ैर मशीन, बग़ैर चीरा, बग़ैर कोई दूरबीन डाले पथरी तोड़ें, जैसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी कहते हैं, कभी पेशाब के रास्ते जाते हैं जो जिसे URS या RIRS कहते हैं, दूरबीन के ज़रिए गुर्दे तक के पत्थर मसाना या बसाने की गुर्दे की नाली या गुर्दे के अंदर के पत्थरी भी तोड़े जाते हैं, या पीठ के में से एक दूरबीन का सुराख करके वहाँ अंदर जाके तोड़े जाएं। ये डॉक्टर का काम है कि जो स्पेशलिस्ट हैं कि वो आपसे बात राय करें कि भाई इसके ये फ़ायदे हैं और इसमें ये लिमिटेशंस या ख़तरात हैं, और आपके मौजूदा हालात की वजह से, क्योंकि कुछ लोग दूर दराज से आ रहे हैं, उनको एक दफ़ा में पत्थरी साफ़ करनी है, ज़्यादा पत्थर हैं तो वो आम चीज़ों से नहीं। तो ये बहुत ही फाइनल फाइन
डिसीजन मेकिंग है जो डॉक्टर आपके साथ करेगा। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि SIUT एक ऐसा इदारा है जहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई चार्ज नहीं होता, कोई कैश काउंटर नहीं है, और वहाँ आप जाएंगे तो आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता। ख़ास तौर पे बुध और जुम्मे को हमारी आउट पेशेंट क्लिनिक होती है, उसमें आप तशरीफ लाएं, वहाँ नंबर बनेगा, नंबर से आपको देखा जाएगा, किसी को नानी कहा जाता और वो आपका चेकअप होगा, और उसके बाद जब तशखीस हो जाएगी तो वो आपको जो प्रॉपर इलाज होकर बता देंगे। एक तो ये इलाज का हिस्सा हो गया कि जिसमें आपको बताया गया कि आप ऑपरेशन करा के या जो भी तरीक़ेकार है उससे पथरी साफ़ कर दें। अब दूसरा हमारा जो बहुत बड़ा काम होता है वो हम वजह तलाश करते हैं, उसमें पत्थर जो निकाला जाता है उसका टेस्ट करते हैं लेबॉरेटरी में, और पेशाब के और खून के कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें हम ये मालूमात करने की कोशिश करते हैं कि वो पथरी किस किस्म की थी और क्यों बनी। कभी वो हमें पूरी तरह पता लग जाता है, कभी वो पूरी तरह नहीं पता लगता, लेकिन ये अंदाज़ा हो जाता है उन टेस्ट से कि कौन कौन सी वजूहात हैं जो उसमें शामिल होके पथरी बनाने में बन सकती है, पथरी आपके पेशाब गुर्दे व मसाने में। तो हम उन एहतियाती तदाबीर ग़िज़ा में और कुछ दवा के ज़रिए वो बताते हैं, और आपको फिर ये बावर कराते हैं कि जी आपने 6 महीने पे एक दफ़ा, जब आपका मुकम्मल तौर पे पत्थर साफ़ हो जाए और कोई और चीज़ नहीं रह गई, तो हम कहते हैं कि 6 महीने में एक दफ़ा आके चेकअप ज़रूर कराते रहें कि बाज़ दफ़ा फिर कोई नई पथरी ना बन गई हो। और उसका फ़ायदा एक और होता है जो दुनिया ने माना है, ऐसे क्लिनिक इफेक्ट भी कहते हैं, कि जब लोग आते हैं तो उनको अवेयरनेस रहती है, वो भूल नहीं जाते कि मेरे बच्चे को पथरी की बीमारी थी, और वो एहतियात जो बताई जाती है वो डॉक्टर दोबारा रीइंफोर्स करता है और वो दोबारा उस पर अमल करते हैं अगले 6-8 महीने के लिए, और इससे उनको दोबारा पथरी की बीमारी होने से, बहुत बड़े तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको फिर वो पथरी की बीमारी नहीं होती अगर वो पर पूरी एहतियात करते हैं, और उस तरह से उनके गुर्दे सेफ हो जाते हैं। और आप लोगों को पता है अगर गुर्दा ज़ाया हो जाए, और ख़ास तौर पर एक गुर्दा हो वो भी ज़ाया हो जाए, या 2 गुर्दे हों दोनों भी ज़ाया हो सकते हैं अगर पथरी से, तो फिर वो उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, और गुर्दा देना तो बहुत पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं। उस नौबत को ना आने के लिए बर वक्त इलाज और एहतियाती तदाबीर बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है। तो फिल वक्त मेरे हिसाब से एक आगाही के लिए ये काफ़ी है, और उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल जवाब लेने के लिए तैयार हूँ। एक सवाल है कि सर मुझे ये बताएं कि जो किडनी वीक हो जाए उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। मैं मार्च से SIUT हॉस्पिटल जाती हूँ, ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा हूँ, बार ब्लड टेस्ट करवा चुका हूँ। अच्छा, किडनी वीक जो है वो एक बड़ी ऐसी टर्मिनोलॉजी है या ऐसी है जिसमें तफसील में जाने की ज़रूरत है कि वीक से क्या मुराद है। पहली बात तो पथरी की वजह से हुई है अगर कम किडनी वीक, तो वो तो एक तो पथरी की एहतियात करनी है, और कितनी ख़राब हो गई ये ज़रूरी है। अगर गुर्दे ख़राब हो गए हैं, 2 हैं, दोनों ख़राब हो गए हैं, एक ख़ास स्टेज के पास पहुंच के उनकी अलग देख, क्योंकि गुर्दे के ना बहुत सारे काम होते हैं। गुर्दा ना सिर्फ ये जहर पेशाब के ज़रिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे जिस्म में बनती हैं फजला के तौर पर वो निकालता है, बल्कि गुर्दा जो है वो खून बनाने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करता है, तेजाबियत के कंट्रोल में मदद करता है, विटामिन डी और बोन्स की डेवलपमेंट में मदद करता है। तो गुर्दे के बहुत ज़्यादा फंक्शन है। अगर गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं तो उनकी स्टेजेस देखना वो डॉक्टरों का काम है, कि वो टेस्ट से रिपोर्ट देखें कि नॉर्मल क्रिएटिनिन या EGFR जैसे हम कहते हैं उससे कितना कम हो गया है। जब एक ख़ास 50% से कम हो जाता है तो फिर उनको कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, यानी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वरना उनकी हड्डियाँ टेढ़े होने का ख़तरा होता है, उनको किसी वक्त तेजाबियत बढ़ने से सांस की तकलीफ़ होने के और जान का ख़तरा हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कितने कमज़ोर हो गए और कितने ख़राब हो गए। वो जब आप यहाँ आके चेक कराएँगे उसका भी इलाज, जो नेफ्रोलॉजी क्लिनिक्स होती हैं, रीनल फेलियर क्लिनिक्स होती हैं, और वो सारी बच्चों की भी बड़ों की, SIUT में मुफ्त इलाज होता है, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं होता, और हर किस्म के टेस्ट हो जाते हैं, न टेस्ट का के लिए कोई चार्ज किया जाता है। तो आप बिला झिझक आएँ, चेक कराएँ और उनसे फिर मशवरा लें। तो जो वो एहतियात बताएं, जो वो आपको इलाज बताएं, जो दवा बताएं, वो आप करें।
ये कुर्बान अली साहब ने कमेंट किया है, उसमें कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने प्रेज़ किया है SIUT को, अदीब रिजवी साहब को। नो डाउट अदीब रिजवी साहब पायनियर हैं SIUT के। उन्होंने 1972 में छोटे से वार्ड से इदारा शुरू किया था, 8-बेडेड यूनिट, जो सिविल अस्पताल का एक छोटा सा डिपार्टमेंट, जैसे और आपने देखा होगा कि सिविल जिना है कराची में, दूसरे जगह सरकारी अस्पताल होते हैं, उसका एक वार्ड था छोटा सा, उसमें वो तनतनहा आए। लेकिन क्योंकि उनकी फ़िलासफ़ी ये थी कि हर आम आदमी को बेहतरीन इलाज मिलना है, बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिलना है, और बग़ैर उस तालीम और सेहत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें किसी किस्म की माली परेशानी उनको नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए। तो वो उन्होंने ये इदारा बनाया आहिस्ता आहिस्ता, और आज इतना बड़ा हो के ये मुल्क के बेइंतहा लोगों की खिदमत कर रहा है। ना 1500 डायलिसिस 24 घंटे में होना कोई छोटी बात नहीं है, जिसमें बच्चों की भी हैं, बड़ों की भी हैं। और पथरी के इलाज की आज हम बात कर रहे हैं, तो उसका बेहतरीन इलाज होता है, हर किस्म के ट्रीटमेंट फैसिलिटी यहाँ मौजूद है, वो फ्री की जाती है, जो हाई टेक है। दुनिया में किसी भी जगह आप जाएं, इससे सुपीरियर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। और जैसे मैंने पहले कहा कि खास तौर पे पथरी के लिए SIUT इज़ कंसिडर्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, और वहाँ बाहर के डॉक्टर हमारे लिए, हमारे पास ट्रेन होने आते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, जिसमें पथरी के इलाज की एक्सपर्टीज के तो प्राइमरीली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं कुछ और जनरल एहतियाती तदाबीर अगर बीच में बता दूं, तो उसमें फ़ायदा ये है कि आम आदमी को एक एडिक्वेट हाइड्रेशन, यानी पानी इतना पीना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सारे इलाकों में मौसम ज़्यादातर महीनों में गर्म रहता है, और अगर पानी ना पिए तो वो जो भी ऐसी चीज़ें जो पथरी बना सकती हैं वो सैचुरेट हो जाती है, वो पथरी बना लेती हैं, वो क्रिस्टल्स बनाती हैं, फिर वो जमा होकर पत्थर बना लेती हैं। तो एक पहली एहतियात जो है वो आपको चाहिए कि आप 24 घंटे, चंद घंटे नहीं, कि अब मैंने चंद घंटों में तो बहुत सारा पानी पी लिया और बाकी मैं 12 घंटे कुछ नहीं पानी पिया, और पानी पीना है नॉर्मल वाटर जो होता है उबला हुआ पिए, यकीनन मिनरल वाटर पिए वो आपकी मर्जी, लेकिन साफ़ पानी हो, जो पीने का पानी होता है वो पिए। उसके देखने का एक तरीका है, ख़ास तौर पर बच्चों में, क्योंकि आप मेजर नहीं कर सकते 2 साल के बच्चे को कितना पिलाना है, 5 साल के बच्चे को कितना पिलाना है, आप उनके पेशाब के रंग पे नज़र रखें कि सफ़ेद या हल्का पीला रहना चाहिए पेशाब, इसका मतलब वो एडिक्वेटली हाइड्रेटेड हैं, यानी उन्होंने पानी इतना पिया है कि उनके पेशाब का रंग गहरा पीला नहीं हुआ। पीला, जब पेशाब गहरा पीला होता है वो या तो पीलिए में होता है, जिसे हम जॉन्डिस या यरकान कहते हैं, वो तो एक अलग बीमारी होती है, वो उसके और वजूहत होती हैं और सब अलामत होती हैं, पता लग जाती है। उसके अलावा गहरा पीला पेशाब, डार्क कलर यूरिन, डार्क येलो, इवन टू द एक्सटेंट के वो ब्राउन और रेड हो जाता है, वो जब ही होता है जब आप पानी कम पीते हैं और डिहाइड्रेटेड होते हैं। तो अपने आप को डिहाइड्रेट होने से पानी, तो आप ऑल 24 आवर्स, 24 घंटे एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहें, यानी इतना पानी पिए कि जिससे पेशाब का रंग हल्का पीला रहे, और बर वक्त जब आपको पेशाब महसूस हो उसको पेशाब कर लिया करें। दिन में कम से कम 6 दफ़ा ज़रूर पेशाब करना चाहिए, सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, और हर 3-4 घंटे पर पेशाब करें, क्योंकि जब आप टाइम इतना पानी पीते हैं और पेशाब बर वक्त कर लेते हैं तो वहाँ जो पथरी बनाने वाले जुज़ होते हैं उनको जमा होके और पत्थर बनाने का मौका नहीं मिलता। तो ये बहुत बेसिक सी प्रिकॉशन है, जो एडिक्वेट हाइड्रेशन और रेगुलर वॉइडिंग है, और इन्फेक्शन भी आप इससे प्रिवेंट करते हैं। तो अगर इन्फेक्शन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी आप उससे भी एहतियात कर रहे हैं। तो यकीनन कोई और ऐसी चीज़ जो पथरी बनाने वाली हैं, उनमें कुछ जो हमारे यहाँ कोला ड्रिंक्स हैं वो उसमें ऑक्सीलेट्स बहुत होते हैं, चॉकलेट्स हैं ये ऑक्सीलेट्स, नमक का इस्तेमाल है। देखें, खाने में नमक, नॉर्मल नमक तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा एडेड नमक, जो ऊपर से नमक डाला जाता है, वो ब्लड प्रेशर के लिए तो सबको पता है ख़तरनाक है, लेकिन वो पथरी बनाने के लिए भी ख़तरनाक है। पथरी बनने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं जो एक्स्ट्रा नमक, और बच्चों में ये चिप्स नमक डाल के खाना और स्लेंटी और इस किस्म की चीज़ें खाना, तो ये एहतियात अगर आप करें तो जनरल प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, तो वो उससे आप एहतियात कर सकते हैं कि पथरी ना बने बच्चों में और बड़ों में। तो हमने एडिक्वेट हाइड्रेशन की बात की, हमने रेगुलर
वर्डिंग यानी पेशाब करने की बात की कि टाइम से कम दिन में 6 दफ़ा करें और नमक कम इस्तेमाल करें। जो नॉर्मल नमक खाने में चाहिए वो तो ज़रूर लें अपने जायका के लिए, लेकिन ऊपर से नमक ना डालें, एडिड नमक, तो ये चीज़ें तो ज़रूर करनी है। अच्छा, एक सवाल है कि उनकी एक और पैदाइशी बीमारी थी रुकावट आसफा कादिर साहिबा कि उनको पाइलोप्लास्टी करी बच्चे की, यानी उनको पैदाइशी नुक्स था गुर्दा में, पेशाब के रास्ते में रुकावट थी जिसका ऑपरेशन हमने कर दिया, क्योंकि अगर वो रुकावट दूर नहीं करते तो वो गुर्दा ख़राब हो जाता। अब उनको एक और बच्चे के पेशाब की जो नस है उसका सुराख टिप पे नहीं है, वो पीछे है, वो पूछ रही है कि कब ऑपरेशन होगा उसका। देखिए, वो इलेक्टिव सर्जरी है, वेरी इलेक्टिव सर्जरी, क्योंकि वो आपके ऊपर भी होता है और डॉक्टर के ऊपर भी होता है सहूलत के भाई वो कब करते हैं। कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती, ये 9 महीने की उम्र से लेके और पीनोस्ट्रोटल हाइपोस्पिडियास को आप किसी एज पे भी, इसमें जो एक दुश्वारी होगी वो दुश्वारी होगी कि जब बच्चे ये बड़ा होके शादी करके और बच्चे पैदा करना चाहता है तो फिर इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है। इसके अलावा इसके गुर्दों पे, सेहत पे, जान पे कोई असर नहीं हो। तो जो मौका मिलेगा आपको, जब आपके भी कोई उसके एजुकेशन पे कुछ छुट्टियों के दिन हो, एजुकेशन के हो, ताकि कुछ अरसे, और ये स्टेज ट्रीटमेंट होते हैं आमतौर पर, पीनोस्क्रोटल हाइपोस्पिडियास एक दफ़ा में नहीं होता, रिपेयर होता, कुछ सिंगल स्टेज हो जाते हैं, कुछ स्टेज हो जाते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि बच्चे का रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो और अस्पताल वाले जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी प्रायोरिटी, ये इसे कोल्ड केसेस कहते हैं, वो लो प्रायोरिटी पे होते हैं। हाई प्रायोरिटी कैंसर होते हैं, गुर्दे बंद हैं, इन्फेक्शन है, जान का ख़तरा है, गुर्दा ज़ाया होने का ख़तरा है, तो वो पहले मरीज़ आते हैं और उसके बाद हाइपोस्पिडियास आता है। लेकिन डेफिनेटली इस बच्चे को जो सेकेंड, इसीलिए पाइलोप्लास्टी फ़ौरन कर दी गई और हाइपोस्पिडियास अभी वेटिंग में है, तो वो आप अपने और डॉक्टरों की सहूलत के हिसाब से करवा लीजिएगा, कोई इमरजेंसी नहीं है। सर, मुझे हेपेटाइटिस बी है और किडनी इश्यूज़ भी, प्लीज़ मुझे कुछ परहेज़ बता दें जिससे मेरी तबीयत बेहतर हो जाए और मेरी रिपोर्ट भी हो जाए। देखिए, हेपेटाइटिस बी की अब डिपेंड करता है कि वो आपको जिगर कितना ख़राब हो गया, तो वो भी आपको अस्पताल आएंगे, आपके टेस्ट होंगे और जो जिगर के माहिर डॉक्टर हैं SIUT में, वो भी, उसकी मंडे को क्लिनिक होती है पीर के रोज़, बहुत बड़ी क्लिनिक होती है, उसमें बहुत अच्छी टीम है हमारी GI हेपेटोलॉजी की, वो देखती है मरीज़ों को, वहाँ आएँ वो देखेंगे और वो बताएंगे कि अब आपके जिगर कितना। आम तौर पे अगर थोड़ा बहुत असर है और हेपेटाइटिस भी है तो वो अब तो दवाओं से इलाज होकर ट्रीट हो जाता है, और कुछ एहतियात वो बता देंगे आपको, जैसे चकना खाना कम, अगर फैटी लिवर के साथ है, वज़न बढ़ा हुआ है तो वो, और जो भी वो जब आपका चेकअप करेंगे तो आपको आगे की वो बताएंगे। इसी तरह गुर्दे के जो बीमारी हुई है वो भी आपकी स्टेज देख के, आपकी प्रॉब्लम देख के डॉक्टर्स बताएंगे, तो आप उसके लिए जिगर के लिए पीर को आ जाएं, और अगर बड़े हैं तो मंडे को और सैटरडे को गुर्दों की क्लिनिक होती है, बड़ी क्लिनिक स्टोन की खास तौर पे मंडे को होती है, और एक फिल्टर क्लिनिक सैटरडे को चोपड़ी नंबर 14 बड़ी मशहूर है SIUT में, और अगर बच्चा है तो उसको बुध और जुम्मे को दीवान फारूक मेडिकल कॉम्प्लेक्स ग्राउंड फ्लोर में बच्चों की OPD होती है जो अभी भी चल रही है, आज जुम्मा है तो वो आप लाके दिखाएं उनको। व्हाट टाइप ऑफ स्टोन्स आर कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन एंड हाउ टू अवॉइड, हुमैरा माजिद हसन बात कर रही हैं, ये डॉक्टर साहिबा हैं खुद और एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब की साहबजादी हैं, और उनका सवाल अच्छा है क्योंकि वो, इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने सवाल किया है कि ये लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, इसकी मालूमात होनी चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल है, बच्चों में हमारे यहाँ 4-5 किस्म की पथरी पाई जाती है। एक लेस देन 5 ईयर्स यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हमने देखा है, जो ख़ास तौर पे इस रीजन में हमें मिलते हैं, अमोनियम हाइड्रोजन यूरेट स्टोन्स, और वो जो पत्थर हैं वो
हमने देखा है कि उन बच्चों में ज़्यादा मिलते हैं जिनमें मेल न्यूट्रिशन यानी गिज़ा की कमी से पैदा होती है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन या प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन जो पहले कहा था, तो वो मेल नरिश्ड बच्चे या डायरिया बहुत रहता है, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, जुलाब की बीमारी के साथ रहते हैं, ऐसे बच्चों में कुछ इन्फेक्शन और दूसरे फैक्टर्स साथ शामिल भी हो सकते हैं और उनमें अमोनियम हाइड्रोजन यूरिया टेस्ट होते हैं। इन पत्थरी ये थोड़े डेंसली ओपेक नहीं होते, यानी सादे एक्सरे पे नज़र नहीं आते लेकिन अल्ट्रासाउंड पे तो पता लग जाते हैं। इन बच्चों में ये ख़ास बात यह है कि वैसे तो हम और रिस्क फैक्टर्स देखते हैं लेकिन अगर एक दफ़ा पत्थरी निकल जाए और ये 5 साल से उम्र से गुजर जाए और मेल न्यूट्रिशन दूर हो जाए तो फिर इनमें रिकरेंस कम होती है। दूसरे किस्म के मरीज वो बीमारियों के साथ होते हैं जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं और वो उनकी जीन्स में होती हैं, जिसमें सिस्टीन स्टोन्स कहलाते हैं ये, और एक जैंथीन स्टोन्स हैं जो हमारे मुल्क में ज़्यादा मिलते हैं। पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा तादाद है और उसकी एक वजह यह है कि जो ख़ानदान में बीमारियाँ होती हैं, वो शादियाँ होती हैं ना, कज़न्स फर्स्ट कज़न्स के साथ चाचा और मामू और इनके आपस के बच्चों में, उससे वैसे भी बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां बढ़ जाती हैं। कंजेनिटल हाइड्रेनल हाइपरप्लेजिया है और बहुत सारी बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, तो इसको डिस्करेज करना चाहिए कि जो ख़ानदान में आपस में शादियां होती हैं, पहले दर्जे के जो रिलेशनशिप हैं कि चाचा और मामू और फूफी और खाला के बच्चों के दरमियान आपस में शादियाँ होती हैं, तो जैंथीन स्टोन्स भी उन्हीं किस्म के बच्चों में बनता है, वो एक जेनेटिक बीमारी है। और फिर बहुत सारे इन चीज़ों के बहुत आसान इलाज नहीं है, मतलब सिस्टीन को आप रिकरेंस रोकने के लिए बहुत मुश्किल आपको एहतियात करनी पड़ती है, उसमें आपको पानी बहुत पीना पड़ता है, उसमें अल्कलाइन करने के लिए एक शरबत हम देते हैं वो फ्री यहाँ से देते हैं, सीयूटी से पोटेशियम सिट्रेट, ताकि उनको पीएच हम एक ख़ास तौर पर ऐसे करते हैं कि आपने कभी केमिस्ट्री जो पढ़े लिखे लोग हैं जो स्कूल गए हैं केमिस्ट्री में लिटमस पेपर यूज़ करा करते थे पीएच देखने के लिए, तो वो अब हम उनको कह देते हैं, वो एक रील होती है बड़ी सस्ती सी मिलती है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि वो गांव की औरत भी हमारे थर से भी आई हो कहीं से तो वो भी समझ जाती है कि कैसे उसको इस्तेमाल करना है। हम कहते हैं कि वो उसको स्ट्रिप का पतला सा छोटा सा पीस उसको डिप करे, उसके रंग से पहचाने कि भाई पीएच क्या है और हमें 7+ pH अगर रखना है तो इसको शरबत को बड़ा तादाद बढ़ा दे, तो शरबत फ्री देते हैं, एक लिटमस पेपर की स्ट्रिप दे देते हैं, उसको सिखा देते हैं, तो वो एजुकेट इतनी हो जाती है कि वो ये अपने घर में जाके अपने बच्चे के लिए प्रिवेंशन कर देती है और फिर रिकरेंस ऑफ स्टोन नहीं मिलता। सिस्टीन में भी और जैंथीन में भी हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है, तो ये जेनेटिक हो गए, एक अमोनियम हाइड्रोजन यूरिया टेस्ट हो गए, एक जेनेटिक स्टोन हो गए, और एक होता है प्राइमरी हाइपरऑक्सीमिया, उसमें जिगर में ख़ास किस्म के एंजाइम का डिफेक्ट होता है, ये एक तरह की बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। उसकी वजह से एक तो पथरी बहुत ज़्यादा बनती है दोनों गुर्दों में, गुर्दों को ख़राब बहुत करती है प्राइमरी हाइपरऑक्सीमिया, और फिर यह है कि अगर गुर्दे ख़राब हो जाएँ तो उनको खाली गुर्दा तब्दील करने से काम नहीं चलता, इनमें जिगर और गुर्दे दोनों को तब्दील करना पड़ता है, तो यानी लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट कंबाइन करना पड़ता है, तो फिर जाके कुछ बात बनती है, तो इसलिए वो नौबत ना आए, अर्ली तशखीस हो, बहरहाल बचना चाहिए प्राइमरी ऑक्सीलेट से, वो एक जेनेटिक्स है, उसकी डिटेल में मैं ना जाना चाहूँगा। फिर कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन है जो हमने देखा 5 साल से बड़ी उम्र में ज़्यादा बनते हैं, ये मल्टी फैक्टोरियल जिसको इडियोपैथिक स्टोन्स का नाम भी जाता है, कुछ तो इसमें वजूहात हैं, जो यूरिक एसिड भी कंट्रीब्यूट करता है, जो आप अगर बच्चे तो हमारे यहाँ खाने को इतना मिलता ही नहीं है पहले और बड़ी मुश्किल से खाते हैं, तो वो प्रोटीन्स हाई प्रोटीन्स और रेड मीट और ये सब बातें वो हमारे मुल्क के लिए नहीं है। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट जो बाहर के मुल्कों में वेस्ट में मिलता है वो हाई इंटेक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध दही मिल्क चीज़ उनके वजह से उनके यहाँ हाइपर कैल्सी यूरिया यानी कैल्शियम पेशाब में बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, वो वेस्ट में बहुत ज़्यादा या एफ्लुएंट कंट्रीज में मिलता है, हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ वो दूध पीते ही नहीं है बच्चे, उनको दूध नहीं मिलता, तो हमारे यहाँ उल्टा होता है कि वो कैल्शियम की कमी उनके पेशाब में होती है और जब कैल्शियम वो नहीं लेते तो उनके यहाँ जो वो थोड़ा बहुत ऑक्सीलेट कहीं से खाते हैं वो ऑक्सीलेट जब ग़िज़ा में जाता है वो मैदे से और आंतों से ऑक्सीलेट जो है वो एब्जॉर्ब होके पेशाब में जब एक्सक्रीट होता है तो ऑक्सीलेट
कैल्शियम से वहाँ कम्बाइन होकर पत्थर बना देता है। वरना अगर हम कैल्शियम इंटेक बढ़ाएं यानी दूध की या दूध पिएं और वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के साथ जाएगा तो वो मैदे में ही कैल्शियम ऑक्सीलेट कम्बाइन होकर और वो पैखाने के जरिए निकल जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद उन बच्चों की होती है जो दूध कम पीने की वजह से पत्थर बनता है, ऑक्सीलोसिस, उनको प्राइम यूरिन में ऑक्सीलेट्स हाई मिलते हैं इसलिए कि वो कैल्शियम। तो हम उनको जब चेक करके बताते हैं कि ये कैल्शियम इंटेक आप बढ़ा दें, दूध बढ़ा दें बच्चे को, तो वो एक तरह की तो ये हर एक आदमी का तशखीस करना जो है वो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स की जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, आप घर बैठे तो नहीं कर सकते। और उसमें यकीनन SIUT एक बेहतरीन इदारा है जहाँ कंप्लीट अरेंजमेंट है हर चीज़ की और फ्री हो जाता है। तो कम से कम ये तो करें कि आप SIUT आएँ और रुजू करें और वहाँ अपने जो भी वजूहात हैं पथरी की, जिसके में कैल्शियम ऑक्सीलेट की बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल है, तो जो जो एक तो मैंने बताया कि पानी पीना, टाइम से पेशाब करना, इन्फेक्शन प्रिवेंट करना, फिर नमक का इस्तेमाल कम, फिर कुछ ऑक्सीलेट रिच डाइट्स हैं जिसमें चॉकलेट और कोला ड्रिंक्स हैं, अगर ये एहतियात करना, और फिर दूध का एक मतवाजन इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जो बिल्कुल नहीं पीते वो गलत करते हैं, उनको मतवाजन, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें ज़रूर करनी चाहिए। और वो कैल्शियम ऑक्सीलेट टाइप के स्टोन तो, और एक होते हैं इन्फेक्शन स्टोन जो ख्वातीन में बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ख्वातीन में क्योंकि बनावट मुख्तलिफ होती है और उनमें पेशाब के इन्फेक्शन, तो ख्वातीन के यहाँ भी और बच्चियों को शुरू से आदत डालनी चाहिए, उनकी कुछ फिजियोलॉजिकल डिमांड्स भी ऐसी होती हैं, नीड्स ऐसी होती हैं, तो उनको चाहिए कि वो भी इतना पानी पिए कि पेशाब का रंग हल्का पीला सफ़ेद रहे, टाइम से 6 दफ़ा दिन में पेशाब करें, सफाई का ख्याल रखें, पेशाब पोटी की जगह का ख्याल करें, सफाई का, और कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। कब्ज़ एक ऐसा फैक्टर है जो पेशाब में रुकावट भी करता है और जरासीम जो बड़ी आंत में और पैखाने की जगह पे एक नॉर्मल किस्म के जरासीम कहला होते हैं वहाँ की जगह के लिए, वो वहाँ से माइग्रेट करके या चल के जब पेशाब की जगह आ जाते हैं, ख़ासतौर पर बच्चियों में और ख़वातीन में क्योंकि उनकी बनावट मुख्तलिफ होती है, वहाँ आ जाते हैं तो वो बड़े शदीद किस्म के जरासीम बन जाते हैं, बड़ी मुज़र जरासीम बन जाते हैं। और उन मुज़र जरासीम को प्रिवेंट करने का एक तो सफाई सुथराई, टाइम से पेशाब करना, पानी इतना पीना और कब्ज़ ना होना। कब्ज़ एक तो रुकावट करती है क्योंकि जब लोडेड रेक्टम होगा, पीछे पखाना भरा हुआ होगा बड़ी आँत में, तो वो रुकावट भी होती है पेशाब में, उसके भी असरात होते हैं और वहाँ से जरासीम भी आते हैं। फिर एक चीज़ होती है जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ लेंगे, हमारे यहाँ एक बॉडी का एक एंटीबायोम होता है, एक नॉर्मल फ्लोरा होता है, कुछ अच्छे जरासीम होते हैं हर जगह, जिल्द ले लें, गला ले लें, नाक ले लें, पेट ले लें, आते ले लें, यूरिन ट्रैक ले लें, कुछ अच्छे जरासीम होते हैं, कुछ बुरे जरासीम होते हैं। जो बुरे जरासीम वो होते हैं जिनसे बीमार हो जाता है आदमी, अच्छे जरासीम वो होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो एंटीबायोम को अपने मेंटेन करना और नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करना के लिए प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स वैसे तो बड़े महंगे हैं, आपको जाएंगे अगर किसी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे वह शेल्फ पे देखेंगे तो बड़ी महंगी महंगी प्रोबायोटिक्स होंगी, लेकिन हमारे मुल्कों में जो घर में दही बनाई जाती है, जो कुंडे में दही बनाई जाती है, उसमें आप देखें कि उसमें बड़े अच्छे जरासीम होते हैं और वो नॉर्मल फ्लोरा को प्रमोट करते हैं और प्रोबायोटिक के तौर पर काम करते हैं। तो दही का इस्तेमाल एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये 5-6 एहतियात हैं और 5-6 किस्म के मरी स्टोन है। इन्फेक्टिव स्टोन हो गया, कैल्शियम ऑक्सीलेट जिसमें यकीनन प्राइमरी ऑक्सीलोसिस की वजह से हो सकते हैं या मल्टीफैक्टोरियल मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हैं, तो वो जब तक आप आएंगे नहीं तशखीस नहीं होगी, उनको प्रिवेंट करने के वजह बताएंगे हम। और फिर जेनेटिक बीमारियों की वजह से पथरी है जिसमें सिस्टीन स्टोन है, जेंथीन स्टोन हैं, तो ये कुछ किस्म के, और अमोनियम हाइड्रोजनेट बहुत छोटे बच्चों में होते हैं। ख़ानदान में अगर बीमारी है तो फिर उनको हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे माँ बाप में, बहन भाइयों में, खाला फुप्पी मामू चाचा में, अगर नाना नानी दादा दादी में पथरी की बीमारी है तो उन बच्चों में पथरी की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको अपने शक का लेवल थोड़ा ऐसे रखना चाहिए कि अगर कोई ज़रा सी कोई अलामत लगे जो मैंने पहले बताई तो वो आके एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें, चेकअप करा लें। जी सर, क्या किडनी ट्रांसप्लांट करने से कितने % चांसेस सही से चलने के हैं?
देखें, किडनी ट्रांसप्लांट खास तौर पे जो लिविंग रिलेटेड ट्रांसप्लांट है, एक तो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन होता है, एक होता है जो मुर्दा जब आदमी हो जाए कुछ ऐसे हालात में, इंतकाल हो जाए कि वो आईसीयू में थे और उनको एक्सीडेंट हो गया था और उनके आज़ा अच्छे काम कर रहे थे लेकिन ब्रेन डेड हो गए और वो वहाँ डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि इनके कोई चांसेस बचने के नहीं है लेकिन उनके आज़ा अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो आज़ा लिए जाते हैं जिसे डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। तो एक तो वो आज़ा हैं जो हमारे मुल्क में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक ये रुझान नहीं हुआ। बहुत कम, 4-5 हमारे पास एग्जाम्पल हैं मुल्क में जो जिन्होंने अपने आज़ा डोनेट किए हैं, वो हीरोज़ हैं और हीरोइंस हैं हमारे यहाँ की, जो आप आएंगे तो SIUT ने उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं और हम उनके पूरे ख़ानदान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। दूसरा, एक किडनी डोनर होता है, ट्रांसप्लांट होता है, जो घर वाले जिंदा होते हुए देते हैं। जैसे गुर्दे क्योंकि दो होते हैं तो बड़ी आसानी से आप एक दे सकते हैं अगर आप फिट हैं, और उसका चेकअप होके लिया जाता है, वो लिविंग रिलेटेड कहा जाता है। अनरिलेटेड जो ख़रीदो फरोख के ज़रिए होता है वो इखलाकी तौर पे भी गलत है, और उसके आमतौर पे क्योंकि वो छुप छुपा के कानूनन भी गलत है, छुप छुपा किया जाता है, उनका फॉलोअप नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लोगों को पड़नी पड़ती है, वो एक नाकाम इलाज है और इखलाकी तौर पे भी हम उसको डिस्करेज करते हैं, और गैर कानूनी भी है अब तो, वो पाकिस्तान में उसके खिलाफ लॉ भी आ गया। तो हम बात करेंगे, अगर फ़र्ज़ करें जो पाकिस्तान में इस वक्त लिविंग रिलेटेड यानी अपने किसी भाई ने, माँ बाप ने, बच्चे ने गुर्दा दिया है, तो वो लिविंग रिलेटेड, उसका 1 ईयर सर्वाइवल मोर देन 95% होता है, यानी बेहतरीन इलाज है जब ज़रूरत हो, यानी जब दोनों गुर्दे नाकारा हो जाएं और उसको डायलिसिस की, या तो मशीन पे डायलिसिस हो, डायलिसिस जान बचाता है, आपको अल्टरनेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके साथ कुछ स्ट्रिंग्स अटैच हैं कि हर तीसरे चौथे रोज़ आपको 3-4 घंटे मशीन पे डायलिसिस करानी पड़ती है, खून बोको जिसम से निकलता है और उसके पास वो वापस सफा साफ होकर चला जाता है। नो डाउट ये भी एक बहुत अच्छा इलाज है और वो ज़रूरी जब हो तो कराना पड़ता है, और पहले डायलिसिस से शुरू होते हैं। लेकिन अगर आपके पास डोनर है और आपके पास जैसे SIUT में सहूलत मौजूद है कि ना सिर्फ डायलिसिस, 1500 डायलिसिस हम 24 घंटे में फ्री करते हैं, हमने 6000 ट्रांसप्लांट ऑलरेडी कर लिए हैं, और हम हर ट्रांसप्लांट जो लिविंग रिलेटेड आता है उसको सिर्फ अपना एक डोनर लाना होता है, और ट्रांसप्लांट फ्री करते हैं, उसके बाद फॉलोअप फ्री करते हैं, उसके बाद उसके टेस्ट जो भी होते हैं फ्री करते हैं, दवाइयाँ फ्री देते हैं सारी ज़िंदगी, क्योंकि अगर खाली गुर्दा लगा दिया आपने और दवाइयाँ नहीं मिली तो वो फिर क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो कम करने की दवाइयाँ ना दें तो गुर्दा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप प्रॉपर फॉलोअप कर रहे हैं ट्रांसप्लांट के बाद तो उसके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, और 1 ईयर सर्वाइवल ग्राफ्ट का 95% से ज़्यादा होता है, और इसी तरह 5 ईयर सर्वाइवल हमारे पास ऐसे भी सब हैं और दुनिया में भी हैं जो 30-30, 40-40 साल से उनका ट्रांसप्लांट हुआ है और नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। ये भी है कि ट्रांसप्लांट हो गया है और ट्रांसप्लांट के बाद वो उनकी फिर शादियाँ हुई, बच्चे हुए, जो एहतियात बताएंगी वो ट्रांसप्लांट टीम, वो ज़रूर आपने फॉलो करनी है, लेकिन लोग काम पे वापस जाते हैं, बेस्ट लाइफ रिहेबिलिटेशन होती है उसमें डायलिसिस के मुकाबले में, ट्रांसप्लांट पे इंडिपेंडेंस मिल जाती है उनको, यकीनन आपको कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कुछ एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल और एक कामयाब इलाज है, उसमें जब ज़रूरत हो तो बिला झिझक कराना चाहिए। अगला सवाल है, देखिए बड़ा जनरल सवाल है जो मेरा ख्याल है कि इस तरह से जवाब नहीं दिया जा सकता। सर मेरी बहुत टाइम से मेरी तबीयत खराब है, तो मैं उनसे कहूँगा आप डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर की फिर एडवाइस पे चलें। अच्छा, एक तस्लीम सादिक साहिबा है, उन्होंने कहा मेरे बच्चे की सिस्टोस्कोपी हुई है और उससे यूरिन ब्लॉक प्रॉब्लम थी, बच्चा ठीक है पर किडनी में अभी भी सूजन है, तो क्या कर, ये कहाँ इलाज हुआ, जहाँ इलाज हुआ वहाँ जाएं या SIUT में हुआ है? तो फिर यहाँ तो हम मरीज़ को जब एक दफ़ा इलाज करते हैं तो हम उसको तो कभी जो भी ज़रूरत होती है हस्बे ज़रूरत हम उनको फॉलोअप ज़रूर बताते हैं। किसी को अगर हफ्ते में ज़रूरत है तो एक हफ्ते में कहेंगे, किसी को अगले दिन ज़रूरत है तो अगले दिन कहेंगे, किसी को एक साल में ज़रूरत है तो एक साल में बुलाएंगे, लेकिन हम उनको फॉलोअप फैसिलिटी भी देते हैं और हम इंसिस्ट भी करते हैं कि आप ऐसे, बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें आपको
देखभाल ज़रूर रखनी होती है, तो हम कहते हैं कि आप सिर्फ यहाँ आ जाइए, भले साल में एक दफ़ा की ज़रूरत है तो एक दफ़ा आइए, तो आप जाएं और रुजू करें। अगर SIUT में इलाज हुआ है तो OPD में आएं और आके दिखाएं, जैसे हमने हमेशा एडवाइस किया आपको। अरीज आमिर पूछती हैं कि हाउ डू डॉक्टर्स एट SIUT ट्रीट किडनी स्टोन्स। देखिए, मैंने शुरू में मुख्तसरन बताया था कि किडनी के स्टोन्स के बहुत सारे तरीके हैं, और पहले एक ही तरीका होता था कि चीरा लगा के पत्थरी निकाली जाती थी और लोग उससे घबराते भी थे, और यह नो डाउट कि वो एक बहुत मेजर सर्जरी होती थी, बेहोशी में बहुत बड़ा चीरा लगाते थे गुर्दे, तो उससे लोग घबराते थे, और जब करनी थी तो करनी पड़ती थी। अब मिनिमली इन्वेजिव का ज़माना है, यानी कुछ छोटे पत्थरियाँ जो होती हैं गुर्दे की, एक बच्चों में ख़ास तौर पे 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर तक की पत्थरी हम बग़ैर किसी चीरा लगाए, बग़ैर दूरबीन डाले, उसको बाहर से श्वाएँ लगा के, जिसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोटिप्सी होती है, वो हम सिर्फ मशीन पे लेटाते हैं और शॉक वेव देते हैं और उस पर तोड़ देते हैं, और मशीन से पत्थरी निकल जाती है एक दफ़ा में या दो दफ़ा में, वो डिपेंड करता है, बस दफ़ा एक दफ़ा में भी साफ़ हो जाती है। जो उससे बड़े पत्थर हों या एक से ज़्यादा पत्थर हों, उनके लिए एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स हैं। अब डिपेंड करता है, मसाने में है तो वहाँ भी दूरबीन से जाके तोड़ी जा सकती है, अगर गुर्दे से नाली में है वहाँ भी दूरबीन से तोड़ी जाती है, और गुर्दे में है तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक नीचे से पेशाब के रास्ते आके दूरबीन से तोड़ें, या फिर पीठ से गुर्दे में डायरेक्ट सुराख करें और वहाँ दूरबीन से जाके तोड़ दें उसे और फिर साफ़ कर दें। ये सब मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है, जिससे मोर देन 98% ट्रीटमेंट अब होता है। इक्का जब तक उसमें कोई साथ में कोई गुर्दे में बनावटी रुकावट नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी है, या उसकी एबनॉर्मल या मैल्यूट किडनी है जिनको आप एंडोस्कोपिकली सेफली नहीं कर सकते, तो वहाँ आप फिर जाके चीरा लगा के अब ऑपरेशन करते हैं, जो वो सिर्फ 2-4% लोगों में होता है। 95+ up to 98% ट्रीट पेशेंट जो हैं अब मिनिमली इन्वेजिव, या तो खाली बाहर से शुआओं के ज़रिए या दूरबीन के ज़रिए ऑपरेट होके पथरी सब साफ कर दी जाती है। और सवाल कोई सदाकत साहब हैं, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये आगाही के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम आप लोगों को आगाह करें, ताकि आप लोग देर से जब आते हैं ना तो गुर्दे फिर हमारे भी हाथ बन जाते हैं, डॉक्टर्स के भी हाथ बंधे होते हैं, कि अगर वो देर से आए और गुर्दे कमजोर हो गए, गुर्दे खराब हो गए, गुर्दा जाया हो गया, तो फिर उनके पास कुछ और मरीज भी ज़्यादा, और जब बच्चों में ख़ास तौर पे जो चीज़ आप बचा सकते हैं, जो गुर्दों को सेफ रख सकते हैं, जिनकी अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है, उसका बरवक्त इलाज बहुत ज़रूरी है। और आपको ये मुहैया सहूलत मुहैया है SIUT में कि आप आएँ और फ्री इलाज कराएँ और चेकअप कराएँ। डॉक्टर्स किसी मरीज़ को हम ना नहीं कहते, बुध और जुम्मे को बच्चों की OPD होती है जिसमें पथरी के लिए मरीजों को देखा जाता है। आप सुबह आएँ, नंबर बनाएं, नंबर से मरीज देखा जाएगा, आपकी टर्न पे आपको देखा जाएगा, सीनियर डॉक्टर वहाँ मौजूद होते हैं जूनियर्स के साथ साथ, वो हर मरीज़ को जब तक सीनियर डॉक्टर ना देख ले, और उसी वक्त एक दफ़ा में, क्योंकि मरीज़ दूर दराज से आते हैं तो हमें उनके अंदाज़ा होता है कि उनके लिए बहुत गरीब मरीज़ होते हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि वो दूर दराज से आ रहे हैं, बार बार आना मुश्किल है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा में उनकी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसीलिए हमारी क्लिनिक में वहीं अल्ट्रासाउंड मशीन रखी होगी, हम खुद जाके अल्ट्रासाउंड मशीन पे अपने अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के साथ देखते हैं। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो एक दफ़ा ये नहीं होता कि अच्छा ये टेस्ट करा के लाओ फिर दोबारा देखेंगे, अच्छा अब ये वाला टेस्ट करा के जाओ फिर दोबारा देखेंगे, तो बार बार विजिट हों और अपॉइंटमेंट लेने, वो एक दफ़ा आते हैं उसी दिन उनकी काफ़ी चीज़ों के तक तशखीस हो जाती है। टेस्ट का काउंटर वहीं बना हुआ है, वहीं से ब्लड के टेस्ट हो जाते हैं, वहीं एनेस्थेटिस्ट बैठा हुआ है, अगर कभी ऑपरेशन का चेकअप होने तो वहाँ एनेस्थेटिस्ट देख लेता है। यहाँ तक कि ये दुनिया की वाहिद क्लिनिक है जहाँ एक नेफ्रोलॉजिस्ट भी बैठा हुआ है, यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट की टीम के साथ एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी टीम का मेंबर बैठा हुआ है, कि अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है जो मेडिकल इलाज की ज़रूरत है, साथ में गुर्दे ख़राब हो चुके हैं या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो भी वहीं उसी क्लिनिक में देखे, एक ही अंडर वन रूफ
एक ही जगह पे डॉक्टर्स बहुत सारा चेकअप करके एक दफ़े एक विजिट में, जब इतनी बड़ी सहूलत आपके पास मौजूद हो तो आप उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। सर मैं 2007 से सयूटी में इलाज करवा रहा हूँ, फॉलोअप पे भी आता हूँ, लेकिन मेरे मसाने का ऑपरेशन अभी तक ना हुआ। अहमद अली, फाइल नंबर 8। मैं ज़रूर ये फाइल नंबर चेक करूँगा, कोई ना कोई वजह होगी और आपको बताई भी गई होगी। शायद अगर इसमें कोई दुश्वारी हुई है आपको अंडरस्टैंडिंग की, तो आप दोबारा ईद के बाद जुम्मा जो है उसमें हमारी ओपीडी खुली होगी, क्योंकि सिर्फ 3 दिन छुट्टी अनाउंस हुई है। एमरजेंसी तो 24 घंटे SIUT खुली होती है, तो एमरजेंसी तो आपको जब वो आप 24 घंटे आए। इलेक्टिव इलाज के लिए मंगल बुध जुमेरात छुट्टी अनाउंस हुई है, जुम्मा हमारी ओपीडी होगी, अगले जुम्मे को आप आ जाइए, आपकी फाइल निकाल के आपको, क्योंकि आप पुराने मरीज लगते हैं, 8,000 नंबर है आपका, अब तो हमारे पास 35,000 से ऊपर नंबर चल रहा है, कोई ना कोई वजह होगी जो आपको बताया गया होगा। सलाम सर, मदर इस किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, तो क्या उसके बच्चों में कोई भी कोई किडनी की बीमारी के चांसेस है? देखें, ये मदर को अगर ट्रांसप्लांट हुआ है तो यकीनन उसमें गुर्दे में तो कोई ख़राबी हुई थी, और दोनों गुर्दे फेल हो गए थे, या एक गुर्दा था वो फेल हो गया था, तो उसके बाद और ना बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गए थे, इसलिए ट्रांसप्लांट हुआ है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन क्या वो ऐसी बीमारी थी जो बच्चों में भी हो सकती है? इसके लिए वो प्राइमरी बीमारी जो थी, वो जो उनको जिस वजह से उनके गुर्दे ख़राब होते, वो पता होना। अगर शुगर की बीमारी से हुए जो बहुत कॉमन है, और ब्लड प्रेशर की बीमारी से गुर्दे ख़राब हुए वो बहुत कॉमन है, तो वो तो आप एहतियात से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। क्या आप ऐसी लाइफस्टाइल ना रखें कि डायबिटीज़ हो, और आप ऐसा लाइफस्टाइल ना रखें कि हाइपरटेंशन हो, और अगर हो भी जाए खुदा ना खास्ता, तो उनकी अगर आप देखभाल रखेंगे तो आप अपने गुर्दे ख़राब होने से, अगर डायबिटीज़ की बात करें, शुगर की बात करें, तो वसीम अकरम हमारे पास एक बेहतरीन एथलीट हैं, जो हम लोग सब जानते हैं क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी और बॉलर रहे हैं, जो डायबिटिक, और आपने देखा कि डायबिटिक इंसुलिन लगा के इतना ज़बरदस्त एथलीट हो सकता है, तो किसी डायबिटिक को ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं बीमार हुआ कुछ नहीं कर सकता। अगर वो बर वक्त इलाज करें और अपनी शुगर कंट्रोल करें, जिसके लिए अब इंसुलिन के बहुत अच्छे तरीके आ गए हैं या दूसरी दवाइयाँ हो गई, तो वो एक नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आप ऐसी बीमारियों को से अपने बच्चों को बचा सकते हैं जो आपको तो हो गई थी, आपके गुर्दे तो ख़राब हो गए थे, या इनके जैसे उन्होंने कहा कि इनकी मदर के गुर्दे तो ख़राब हो गए थे, लेकिन वो बच्चों को ना हो। लेकिन कुछ बीमारियाँ नो डाउट ऐसी होती हैं जो इवन पथरी की बीमारी, अगर बच्चों में पथरी की बीमारी के चांसेस हैं तो उसका भी एहतियात आप कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी बीमारियाँ आप वो जिनसे आप वालदा साहिबा के गुर्दे ख़त्म हो गए थे, वो बर वक्त इलाज से बचाई जा सकता है, और बच्चों के गुर्दे बचा सकते हैं कि वो अपनी नॉर्मल किडनीज पे नॉर्मल लाइफ गुजारें। सर, किडनी ट्रांसप्लांट का इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते थे, उनका ट्रांसप्लांट SIUT से हुआ है। देखिए, इनफर्टिलिटी की बहुत सारी वजूहात होती हैं, और उसका डायरेक्टली ट्रांसप्लांट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मरीज हैं जो यंग एज में जिनके ट्रांसप्लांट हुए थे, और उसके बाद उनकी शादियां भी हुई हैं और उनके बच्चे भी हुए हैं। कुछ एहतियात ज़रूर बताते हैं ट्रांसप्लांट टीम वाले कि आपको ये एहतियात रखनी है, ताकि इन्फेक्शन से आप करें और आपकी जो डिलीवरी हो वो ऐसी जगह पे हो जहाँ वो एहतियात हो सके, लेकिन इनफर्टिलिटी ट्रांसप्लांट से नहीं होती। दो अलग चीज़ें, इनफर्टिलिटी अलग वजूहात होगी और उसकी अलग तशखीस होगी और अलग देख उसका इलाज होगा। आज़मीना मुबशिर अहमद, सर मेरा 2007 में ऑपरेट हुआ था, अब मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा है, अब क्या करें? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है आपने, और उसके लिए आके डॉक्टरों से रुजू करना है। कुछ ब्लड प्रेशर की ऐसी वजूहात होती हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ऐसी बीमारियां होती हैं, अगर एक गुर्दा ख़राब है और जिसको ऑपरेट हुआ था और वो अब नकारा है, और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है वो गुर्दा निकाल दें, तो आपका कुछ दवाइयों में कमी हो जाए या ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, तो वो जब आप आएंगे, आपका 2007 में SIUT में अगर इलाज हुआ था, तो
आप आए यहाँ दिखाएं, आपको तो SIUT पता है, आप आए यहाँ OPD में। अगर आप एडल्ट हो गए हैं तो आप 14 नंबर OPD में चले जाएं, और अगर आप अभी भी पीडियाट्रिक एज ग्रुप के हैं तो आप पीडियाट्रिक, और जहाँ भी आप जाएंगे SIUT में 1972 से लेके आज तक जो भी मरीज की फाइल बनी है सब फाइल मौजूद है, और वो 15 मिनट से आधा घंटे के वक्त में जब मरीज यहाँ पहुँचता है वो फाइल निकल आती है। हमारा रिकॉर्ड रूम सेक्शन इतना ज़बरदस्त है, ये गारंटी है कि 72 से लेके अब तक जो मरीज दाखिल हुआ और जिसकी फाइल बनी और SIUT में रखी वो फाइल निकल आएगी। तो आप आइए, वो फाइल निकलेगी, आपका बैकग्राउंड पता लग जाएगा क्या बीमारी थी और अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, कम से कम ब्लड प्रेशर की देखभाल की दवाएं तो का तो बता दिया जाएगा, और अगर वो दूर हो सकती है ऐसी वजह जो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है तो इंशाल्लाह उसका भी इलाज हो जाएगा। मोहम्मद तारिक साहब, सर मेरा ट्रांसप्लांट 2014 में हुआ था तो क्या अब मैं कोविड वैक्सीन लगवा सकता हूँ? जनाब मेरा ख्याल है कि हमारी ट्रांसप्लांट टीम ने आप अगर 2014 में SIUT में ट्रांसप्लांट हुआ था तो SIUT की टीम में फॉलोअप पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको पहले ही कह दिया गया होगा, और हमारी SIUT की टीम ऑलरेडी कॉन्टेक्ट कर रही है ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को कि अब हम कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं ट्रांसप्लांट पेशेंट को, तो ज़रूर लगवाना है आपने, आप हमारी ट्रांसप्लांट टीम से कॉन्टेक्ट करें और वो लगेगा, SIUT में लगेगा। SIUT एक कोविड के ज़माने में SIUT ने अपने ऊपर भरपूर जिम्मेदारियां ली, स्क्रीनिंग की और जो कोविड वार्ड्स बनाए, कोविड ICU बनाया जिसमें वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए, और अब जब वैक्सीन आ गया तो आम पब्लिक को अपने मरीजों के साथ साथ आम पब्लिक को भी हम वैक्सीन लगाने की सहूलत मुहैया कर रहे हैं। नैयर अहमद साहब, डॉक्टर साहब जैनब फातिमा की तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। जी एक किडनी खराब है, 24% वर्क कर रहा है। शाजमीना मुबशिर अहमद, देखें एक किडनी अगर ठीक है और नॉर्मल है और दूसरी किडनी 24% काम कर रही है तो यकीनन उसको निकाला नहीं जाएगा 24% को, और दूसरी किडनी ठीक है तो आपके रीनल फंक्शंस यानी किडनी के क्रिएटिनिन और यूरिया जैसे देखो वो भी नॉर्मल होगा। ये ज़रूर है 24% फंक्शन किडनी वाली जो किडनी है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ जब भी ये मरीज ऐसे जिनकी किडनी फंक्शन चाहे एक की कुछ ख़राब हो तो उनका ब्लड प्रेशर चेक करना है, और हम उनको वैसे भी बताते हैं कि आप साल या 6 महीने में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करें। बच्चों को हम इनक्रेज करते हैं, यकीनन किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता कि उसके बर्थडे के दिन वो ब्लड प्रेशर चेक कराए, तो हम कहते हैं कि भाई अपनी अम्मा का बर्थडे ज़रूर याद रखो, उस पर विश करा करो अम्मा को और उनको गिफ्ट देते हुए अपना ब्लड प्रेशर चेक करा दिया करो। तो ये एक तरीका है कि जो आप चेकअप रखें ताकि ये टेंडेंसी होती है उनमें कि जिनकी किडनी कोई ना कोई ख़राब हो कमज़ोर हो तो उसमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होता है कि जब दौरान खून किडनी को नहीं जा रहा होता तो उसका एज अ रिस्पॉन्स वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए काम करती है और उसमें हाइपरटेंशन हो सकती है। इसलिए आपको अपना चेकअप रखना पड़ता है जब आपकी कोई भी किडनी कम काम कर रही हो, और अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो बेहतर होगा कि 24% किडनी को निकालें नहीं, एक आध ब्लड प्रेशर की दवा खाएं उससे ब्लड प्रेशर 24% इज़ अ गुड, लेस देन 10% किडनी को निकाला जाता है, मोर देन 10% किडनी को नहीं निकाला जाता है, वो रीनल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके काम। आखिरी सवाल लूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम पूरा हो रहा है। शाजमीना मुबशिर अहमद साहिबा दोबारा पूछे, मेरे यूरिन इन्फेक्शन ख़त्म ही नहीं होता, प्रोटीन बहुत आता है। ठीक है, प्रोटीन जो इन्फेक्शन वाला प्रोटीन होता है वो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वो इन्फेक्शन जब आता है तो उसमें प्रोटीन, एक प्रोटीन आता है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का प्रोटीन होता है, वो एक अलग बीमारी है, उसमें जिस्म में ब्लड में प्रोटीन कम हो जाता है, उसमें जिस्म में वर्म हो जाता है, वो एक अलग बीमारी है, उसके लिए आपको जुमेरात एडल्ट हैं तो जुमेरात को आके दिखाएं 14 नंबर OPD में, वहाँ एडल्ट नेफ्रोटिक क्लिनिक होती है, और अगर बच्ची है 15 साल से कम की या है तो आप मंगल को पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी क्लिनिक होती है या दीवान फारूक मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, वहाँ आके दिखाएं। इन्फेक्शन की प्रिवेंट करने की एहतियाती तदाबीर मैंने पहले ही बताई थी कि कुछ जनरल मेजर्स हैं
कि पहले तो आपने देखना है कोई बनावटी नुक्स है तो उसे दूर करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो जनरल मेजर्स जो आपने लेने हैं कि पानी का इतना इस्तेमाल करना है कि टाइम पेशाब का रंग हल्का पीला सफ़ेद रहे, टाइम से पेशाब करना है, देर देर तक रोकना नहीं है, 6 दफ़ा दिन में पेशाब करना है हर 2-3 घंटे पे, ताकि जब महसूस हो आप पेशाब करें। देर बच्चियों में टेंडेंसी होती है, मैं ड्रामा देख रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, कर डर खौफ होता है। अब तो हमारे पास बहुत अच्छी सहूलत हो गई कि अगर शहरों में लोग रहते हैं तो वो सुपरमार्केट्स और अच्छे ऐसे जगहें हो गई हैं जहाँ साफ सुथरे टॉयलेट्स मिल जाते हैं, वहाँ करें जाके। लेकिन ये ब्लैडर ओवरफिल होना और देर देर तक रोकना और अच्छी हैबिट नहीं है, तो टाइम से पेशाब करना चाहिए, कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, सफाई का ख्याल रखें और कुछ प्रोबायोटिक के तौर पर दही का इस्तेमाल करें। तो ये जनरल मेजर्स लें, लेकिन अगर फिर भी यूटीआई हो रहे हैं तो अपना चेकअप कराएं आके। बच्चे हैं तो पीडियाट्रिक यूरोलॉजी क्लिनिक बुध और जुम्मे को, एडल्ट हैं तो सैटरडे फिल्टर क्लिनिक से दिखाना शुरू करें, वो आपको बताएंगे और इंशाल्लाह आपको आगे एहतियात बता देंगे। और अगर उसका कोई इलाज सर्जिकल है तो वो भी कर दिया जाएगा। और आप इन्फेक्शन इज़ नॉट अ गुड थिंग, इन्फेक्शन से एक तो बार बार बीमार होते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, सारा जिस्म का सिस्टम भी ऊपर जाता है, और दूसरा ये कि वो गुर्दा ख़राब होने का खतरा होता है। तो इसके साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा आप लोगों का, मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस तवक्को से कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी पथरी के बारे में, खासतौर पर गुर्दों की पथरी के बारे में और गुर्दों की बीमारी के बारे में जो सवाल आता है उसमें जनरल डिस्कशन भी हुआ। आइंदा भी आप लोगों को कोई ज़रूरत हो तो SIUT की वेबसाइट पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारी मुख्तलिफ क्लिनिक्स हैं जिनको में SIUT में इलाज होता है। और इसको कहने की बार बार ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ आने के लिए किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुफ्त इलाज के लिए आप आएँ और उसमें हम किसी किस्म का कोई कमी नहीं छोड़ते, बेहतरीन इलाज होता है, बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं यहाँ उसके लिए। लेकिन बर वक्त आएंगे तो बर फ़ायदा होगा, और SIUT इसी तरह आप लोगों की खिदमत के लिए काम करता रहेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Seven out of 10 children registered at SIUT are kidney stone patients. This is an alarming number. ये मेरा बेटा है, ये भी दोनों एक गुर्दे में 4 पथरी हैं। अभी क्या करें? SIUT is the only institution that provides comprehensive free of cost treatment for pediatric stone patients. Help us save these precious lives by sponsoring a diagnostic test, lithotripsy, and surgery. Call on 111 donate or visit www.siut.org for online transfer. SIUT, apna hai.